लिया नंग कहने लगा बेटा मारे जाओगे और मैं नहीं चाहता वैसे तुम इतने कोमल हो इतने नाजुक को मारे जाओगे लौट जाओ यहाँ से। भगवान बोले वो तो समय बताएगा कि कौन किसको मारेगा समय बताएगा। तो आज भगवान नहीं आने जवाब दिया कालिया नंग से कहा सुनो मारो जाइए नजर भर के देख ले मारो जाइए नजर भर के देख ले। कालियानंद कहने लगा तो मुझे मार ही नहीं सकते हो। तो उसी समय महाराज इधर भगवान कन्हैया में कालियानंद में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो भगवान जो है वो कालियानंद को मारते जा रहे। कालियानंद अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करता जा रहा है। ऐसे युद्ध होता रहा। एक बार तो कालियानंद ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को लपेट लिया तो भगवान ने अपना शरीर बहुत गर्म किया और जब भगवान ने अपना शरीर गर्म किया तो उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। कालियानंद ने घबरा करके भगवान के शरीर को छोड़ दिया। जब भगवान के शरीर को छोड़ा तो कहां जगत का पालनहार और कहां सर्प। भगवान कालियानंद को मारते जा रहे इतना मारा उसके मुख से रक्त निकलने लगा। भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा कालियानंद की शक्तियों को फिर भगवान ने कालियानंद की नथ को पिचका करके उसको नोथ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही कालियानंद को भगवान ने नोथा तो भगवान कालियानंद को मारते जा रहे कालियानंद शक्तिहीन हो गया। नंग की नंगनी उन्हें देखा ये कोई साधारण बालक नहीं है ये तो मेरे पति को मार रहा है। अगर ऐसे ही मारता रहा तो पति का काम खत्म। नंगनिया पहुंची प्रभु के पास जवाब दिया नाथ आप कौन हो आप अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन कराओ ना। जो इतने बचन गए सोई भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण करके महाराज नंगनियों को दर्शन करा दी। बोली गोविंद भगवान ने। जब नंगनियों को दर्शन कराया कालियानंद को दर्शन कराया चतुर्भुजी नारायणी रूप के समझ गए कि ये तो जगत का पालनहार साक्षात खड़ा है। कालियानंद कहने लगा महाराज आपसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए मैंने आपको पहचान नहीं पाया। अब कालियानंद शरण में आ गया। प्रभु ने जवाब दिया चल ठीक है मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। कालियानंद बोला नाथ कोई सेवा हो तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान बोले पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले। कालियानंद ने गेंद दी। अब कालियानंद ने जवाब दिया कोई और सेवा। भगवान बोले अपने फर पे बैठा के मैं जल से ऊपर ले चल। कालियानंद ने फन फैला दिया भगवान को उसके ऊपर बैठा लिया। और कितना सुंदर दृश्य है कि आज हमारा ठाकुर आज हमारा नारायण जगत का पालनहार कालियानंद के फन पर सवार होकर के बंसी बजा रहा है नृत्य करने लगा। और कैसे हमारे ठाकुर जा रहे हैं ताली बजा करके बोलेंगे